तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। तो गाइस, आज हम कोशिश करेंगे कुछ न्यू कार ढूंढने की। जैसे मेरे पास यहाँ पे कार तो है, जैसे लैम्बोर्गिनी है एंड सुप्रा है एंड फरारी, और यहाँ पे एक कार है जो मुझे एडेंशन में मिला था और मैं इसको ऑफलाइन बाय किया था। आपने शायद देखा नहीं होगा, मैं इसको बाय किया था। तो अभी मेरे पास यहाँ पे फरारी है जो मैं खरीदा था नेक्स्ट डे, आपने शायद देखा होगा। तो इसमें कितना डैमेज है एक बार चेक कर लूँ। ओके, 30% डैमेज है। तो इसको हम गैरेज लेके चलते हैं एंड इसको हम रिपेयर कराते हैं एंड इसको तो हम सेल नहीं करेंगे। और आज जो है ना, कार मार्केट अटेंशन कुछ भी ओपन नहीं है। तो आज हम यही मतलब ये जो कार है इसको रिपेयर कराते हैं। चलो, मेरा यहाँ पे और एक लैम्बोर्गिनी भी है जो मैंने बाय किया था, उसको भी हमें करना होगा रिपेयर। शायद देखता हूँ रिपेयर किया है कि मैंने नहीं किया, शायद किया हूँ। ओके, चेक कर लेता हूँ ना। ओके, मैंने रिपेयर शायद करा लिया था। अभी इसको सेल में लगाएंगे। पहले इसको कह लेते हैं हम पेंट, उसके बाद हम इसको सेल में लगाएंगे। तब तक हमारा फरारी को रिपेयर हो जाने दो। एंड मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, 7 लाख है। और ये जो लैम्बोर्गिनी है इसको सेल करने के बाद और 7 लाख आ जाएगा। चलो उतरते हैं एंड इस सैरज को बोलता हूँ यार अच्छा सा एक पेंट कर दो। पेंट जो है क्या करे यार, यहाँ पे पेंट करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, बट चलो कोई नहीं। यहाँ पे रेड मैंने कह लिया हूँ, तो अभी इसको सेल में लगाता हूँ पहले, और उसके बाद हम वापस आएंगे। अपना फरारी को भी पेंट एंड रिपेयर कराना होगा। मतलब रिपेयर तो मैं करा दिया, पेंट करेंगे और थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कराएंगे ड्रैग रेस करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम मतलब फरारी भी ले चलेंगे ड्रैग रेस करने के लिए, लैम्बोर्गिनी भी ले जाएंगे एंड अपना सुप्रा है एंड ए वाला कार। चलो अभी इसको सेल में लगाते सबसे पहले, एंड सेल में 8 लाख में लगाऊंगा। यहाँ पे कौन सा कार है एंड ओके, तो इस कार को हमें लगाना है सेल में। चलो 8 लाख का लगा देता हूँ, 7 लाख में सेल हो जाएगा। एंड चलो इसको हमने सेल में लगा दिया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा गंदा है तो कार को थोड़ा बहुत साफ सफाई भी कर देते हैं, जैसे जल्द से जल्द एक कार सेल हो जाए। कुछ टाइम बाद यहाँ पे रात भी हो जाएगा, मतलब हो गया समझ लो, हो जाएगा क्या, हो गया यार। चलो कोई नहीं, रात हो जाने दो, इसको हम वॉश कर देते हैं। हमें सोने के लिए जाना होगा। यहाँ पे हमें एक स्किल पॉइंट भी मिल चुके, बट एक स्किल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। ओके, 2 स्किल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम कार वॉश मशीन को अनलॉक कर सकते हैं। चल कर लिया हमने कार वॉश मशीन को। अभी हम कार वॉश मशीन से कार को साफ कर सकते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इससे मतलब कार को वॉश कर सकते हैं बहुत ही जल्द एंड अच्छे से वॉश भी हो जाएगा। एंड कह लेते हैं यार, रात तो हो चुके, सोने के लिए भी जाना होगा, तो हम सोने के लिए चलेंगे कैंटीनर। अपना जो न्यू वाला हाउस है ना, वहाँ पर नहीं जाएंगे, मतलब नेबरहुड में मैंने जो घर खरीदा वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम चलते हैं कैंटीना में सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और देखते हैं यार नेक्स्ट डे क्या ओपन होगा। और यहाँ पे मैंने कैंटीना का अपग्रेड भी किया था, तो आप देख लो। अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने डोर मतलब यूएनडी भी लगाया था, विंडो, और ये अपना बेड भी चेंज किया था। तो अभी सो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो 12 लाख का मेरा चूना लग गया, मैंने 12 लाख का किया। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना घर एंड अपना ऑफिस ये सब अपग्रेड किया था ना, इसका वजह से। और आज जो है ना एटेंशन ओपन होगा, तो वहाँ पे तो रियर कार मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। उससे पहले ऑफिस चलते हैं एंड सबसे पहले इसको हटा हुआ है। चलो ऑफिस ओपन है हमारा। एंड अपना जो लैम्बोर्गिनी है उसको तो मैंने सेल में लगा के रखा हूँ। ऑफिस को कह लेते हैं पहले साफ सफाई, थोड़ा यहाँ से हमें एक्सपी मिल जाएगा, जिससे हमें स्किल पॉइंट भी मिलेगा थोड़ा बहुत। चलो इसको लेके चलते हैं एंड वहाँ पे रखते हैं। एंड अटेंशन में कौन सा कार मिलेगा यार, रियर कार मिलना चाहिए, कोई न्यू कार मिलना चाहिए। ऐसे तो लैम्बोर्गिनी फरारी मिल जाता है, बट कुछ रियर कार मिलना चाहिए यार। अरे कहाँ गया यार, इसको मैं ले नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई ये क्या ही सीन है। अरे नहीं यार, चलो फाइनल हमने इसको उठा लिया। अभी इसको यहाँ पर रखता हूँ एंड हम इसको वॉश करते हैं। ये जो मैं सेल में लगाया ना लैम्बोर्गिनी, इसको वॉश कर देते हैं एंड हम इतना दूर से कर सकते हैं, तो पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अरे चलो हो चुका है, अभी साइड में शायद थोड़ा रह चुके हैं। पूरा हो गया क्या? ओके, पूरा कंप्लीट हो चुके।
अभी हम चलते हैं रिपेयर, ऑटो रिपेयर में। बट यहाँ पे कस्टमर आ चुके हैं और यार मैं वो कार को सेल में लगाई हूँ, इसको नहीं लगाया भाई, क्या बताऊँ। तो कैंसिल करते हैं, वो जो अपना कार है उसको हम सेल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रिमूव सेल से, एंड अपना जो सेकंड वाला कार है इसको हम सेल में लगाते हैं। अरे मैंने गलत वाला कार को सेल में लगा दिया था भाई, सेल हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता ना। चलो अभी मैं इसको सेल में लगा दिया। ये जो कस्टमर आया था ये वापस घूम के जाएगा, क्योंकि वो उस कार के लिए आया था, ये वाला लैम्बोर्गिनी लेने के लिए नहीं आया था। बट कोई नहीं, अपना जो फरारी है उसको रिपेयर कराते हैं, ऑफिस में कस्टमर भी आ चुके हैं। चलो अपना जो फरारी है पहले इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करते हैं, उसके बाद ऑफिस चलते हैं। इसको हमें पेंट कराएंगे, पेंट जो है ना येलो नहीं, पेंट क्या करें, देखता हूँ यार कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, ग्रीन कर दूँ क्या कुछ और, देखता हूँ कौन सा पेंट अच्छे लगेगा, उस हिसाब से हम पेंट भी करा देंगे। एंड पेंट के लिए ये वाला पेंट मस्त लग रही है तो इसको कर देते हैं। एंड पॉलिश में चलते हैं, जिसको हमें हाई करना होगा। बट एक करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ये बढ़ता नहीं यार। चलो हमने कर दिया है, एंड अपना कार बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। अरे अरे नहीं यार, कार में हमें बैठना है। अपना जो कार है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, बाहर जाऊँ तो आप देख पाओ, देख लो यार। और कार को थोड़ा मतलब व्हील्स एंड लाइटिंग एंड नंबर प्लेट भी चेंज करेंगे, यहाँ पे डार्क लग रही है यार देखने में। ओके अब थोड़ा पेचू में लेता हूँ, एंड रुको 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 रुको, अभी सर जी को बोलता हूँ हमारा कार को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर दो। यहाँ पे जो ड्रिप कैट एंड ये सब जो कुछ भी लग रहा है तो उन सबको लगा देता हूँ, नाइट्रो वाइट्रो। एंड उसमें चलते हैं, हम इसको लगाएंगे, एंड लाइटिंग को रहने दो। एंड नंबर प्लेट में हम कौन सा नंबर प्लेट करें इसको कर देते हैं, और नेम लिख देंगे SALON। एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा था इसको रखने के लिए, चलो मैं रख देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने रख दिया जो हमारा सब्सक्राइबर भाई ने कहा था। तो अभी लेकर चलते अपने कार को ऑफिस में पार्क करते हैं, और देख सकते हो यहाँ पे नंबर प्लेट। चलो इंजन करते स्टार्ट, एंड लेकर चलते हैं ऑफिस में पार्क करते हैं अच्छे से। एंड ऑफिस में कस्टमर भी आया हुआ है। अरे भाई इतना गंदा ड्रिप, अच्छे से ड्राइव भी नहीं करना, मतलब मुश्किल हो रहा है। बट कोई नहीं, अपना कार को यहाँ पे पार्क करते हैं, इंजन करो बंद। एंड अरे कस्टमर भाग गया यार, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या, भाग गया, लोकल लो बात बात, हम क्या कर सकते यार, कस्टमर हमारा भाग गया। तब तक हम यहाँ पे अपना कार को वॉश करते हैं। ओके फिर से और एक कस्टमर आ चुके हैं, देखते हैं ये जो कस्टमर है कौन है भाई कस्टमर। ओके यहाँ पे एक मैडम जी आया है, इससे बातचीत करते हैं, एंड देखते हैं यार कितना डॉलर में एक कार लेगा। 7 लाख में तो मैं सेल करूँगा, चाहे वो कितना डॉलर भी दे दे, बट मैं उसको 7 लाख में सेल करूँगा। ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि मैं उसको सस्ते में दे दूँगा। चलो 7 लाख का बातचीत करता हूँ। ओके ये 5 लाख से ज़्यादा नहीं देगा तो तू यहाँ से जा सकती है, तुझे कार सेल करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरा लॉस हो जाएगा यार, इसलिए मैंने उसको सेल नहीं किया। बट चलो यार कोई नहीं, यहाँ पे हमारा जो लैम्बोर्गिनी इसको वॉश कर रहा हूँ तो वॉश कर लेता हूँ फटाफट। चलो एक्सपी मिल रहा है, जैसे कि हम स्किल को मतलब अनलॉक कर सकते हैं। अरे कब तक यार वॉश होगा भाई, वॉश करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलो फाइनली वॉश हो चुके, और अपना जो फरारी था इसको मैंने शायद वॉश नहीं किया था अच्छे से। चलो अभी कर देते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा रह चुके इसको भी कर देते हैं। एक बात समझ नहीं आ रही यार, कस्टमर अभी तक आया नहीं, कुछ टाइम बाद। अरे कुछ टाइम बाद क्या यार, एटेंशन ओपन हो चुके हैं और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ भाई, लॉस हो गया लगता है यार। देखता हूँ कौन सा रियर कार आ चुके, मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, फटाफट चलते हैं भाई, फटाफट चलते हैं। मैंने यार ध्यान ही नहीं दिया कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, बट अभी एक ही कार रिवील हुआ है, अभी और भी 3 कार बाकी है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एंड कार से उतरो भाई, सबसे टिकट लो, एंड चलते हैं यार, देखते हैं कौन सा रियर कार आया हुआ है। तो भाई यार मुझे महंगी कार चाहिए, ऐसे नॉर्मल कार लेकर कोई भी फ़ायदा नहीं। जैसे ये ODQ7 है, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा, देखता हूँ यार कौन सा रियर कार आते हैं।
ओके गाइस, तो मुझे लगता है यार कोई भी रियर कार नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे हमें एक रियर कार मिल चुका है जिसका नाम है डॉग ड्राइवर कुछ नाम है, और इस कार को तो हम आराम से वाई कर सकते हैं। भाई लॉल हो गया मेरे साथ। अरे भाई क्या बताऊँ यार, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास ओनली यार 7 लाख है, तो मैं इस कार को ले भी नहीं सकता। एंड यार इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है कि मैं कोई कार को सेल कर दूँ, तो क्या कर सकते यार, लॉस हो गया आज का दिन। यार मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ इतना गलत सीन होगा यार, इस रियर कार को मुझे ले लेना चाहिए था, बट क्या ही गलत सीन हो गया यार। 10 लाख का शायद ये सेल हो जाएगा, बट यार पहले पता होता तो मैं पैसा और भी ज़्यादा लेके आता। भाई लॉस इतना ज़्यादा बढ़िया लॉस यार, क्या बताऊँ। अरे यार मैंने सोचा नहीं था यार ऐसा हो जाएगा। चलो भाई ये सेल भी हो गया यार। अपना जो लैम्बोर्गिनी है अगर मैं उसको सेल कर देता तो हो जाता यार। यार मेरा ही गलती है, उसको यार 5 लाख में सेल कर देना चाहिए था, तो मैं इस कार को बहुत आराम से ले सकता था। क्या करूँ, अभी कुछ नहीं कर सकता यार। एक कार मिला था यार, बट वो भी गया हाथ से, और यहाँ पे कस्टमर तो नाराज़ हो गए, वापस जा रहे हैं यार। गलत सीन मेरे साथ यार। चलो नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे यार, मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा यार। चलो इसको हम 7 लाख में सेल कर देते हैं लैम्बोर्गिनी को, एंड हम चलते हैं यार सोने के लिए। चलो हमने सेल तो कर दिया, अभी हम सोने के लिए चलते हैं कैंटीना, क्योंकि आज का दिन पे और कोई काम नहीं है, तो कैंटीना चलते हैं और सोते हैं। यार मैं पहले लैम्बोर्गिनी को सेल कर देता ना, अगर 4 लाख में भी सेल करता तो भी मुझे वो कार मिल जाता यार। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका था सोने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए था रियर कार, और रियर कार जो है ना वो सिर्फ एटेंशन पे मिलेगा, कार मार्केट एंड नेबरहुड में तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सोने के लिए आ गया था। और आज जो है कार एटेंशन ओपन होने वाला है, उससे पहले हम चलते हैं एंड चेक कर लेते हैं यार कौन सा कार आएगा। एंड अभी 7 बज रहे हैं एंड 1 बजे मतलब ओपन होगा, तो पहले से चेक कर लूँ, बाद में पता चला यार कोई रियर कार आ गया और मैं उसको ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उतना। अगली बार जैसा हो गया यार, अगली बार अगर मैं लैम्बोर्गिनी पे सेल करता था तो हमें शायद मिल जाता यार। अरे भाई आए रे, अरे अरे यार मिलो। ओके अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी एंड कैमरा एंगल मूव, एंड कैमरा एंगल को चेंज करते हैं, एंड इस बार देखते कौन सा रियर कार आया है। अरे अच्छी रियर कार आना चाहिए इस बार यार। लो भाई सबसे सस्ती, एंड इस कार को तो हम ले लेंगे, उतना अच्छा रियर कार मतलब मुझे मिला नहीं। वो कार मेरे पास ऑलरेडी एक है, बट कोई नहीं यार इसको ले लेते हैं। मैंने जो सोचा था यार वो तो मैं कह नहीं पाया, बट क्या कर सकते यार। चलो जो मेरे उसके ले लेंगे, तो 1 बजे तक हमें इंतजार करना होगा, तब तक हम क्या करें यार, तब तक हम ड्रैग रेस करने के लिए चलेंगे तो आके देखूंगा यार एटेंशन बंद हो चुके, तो मैं उस कार को ले भी नहीं पाऊंगा। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा घा हमें करते हैं, तो हम वीडियो को यहाँ पे थोड़ा बहुत स्किप कर देंगे, और स्किप करने से पहले आप मेरा ऑफिस का बाहर ही बात देख लो यार। मैं तो मैं ऑफिस कितना दिन आया नहीं ना, वो मैं सो रहा था एंड जाग रहा था, सो रहा था एंड जाग रहा था, मतलब कार एटेंशन ओपन होने का मैं इंतजार कर रहा था, जिसका वजह से अपना ऑफिस जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है यार, इसको साफ तो कहना पड़ेगा, तो हम फटाफट साफ कर लेते हैं। और जब तक साफ करता हूँ ना तब तक अपना जो कार टेंशन वो ओपन भी हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे जो ऑफिस है वो साफ हो गया, और एक था इसको हम डस्टबिन में डालते हैं। और अभी जो है ना 12 बज चुके हैं, तो और 1 घंटे के बाद अब मतलब कार टेंशन ओपन भी हो जाएगा, तो हम कार टेंशन पे चलते हैं एंड अपना फरारी लेकर चलते हैं। चलो भाई मज़ा आ गया। ओके मतलब कार एटेंशन में जो कार है ना, तो ये वाला कार है जो मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम एक कार को सेल कर देंगे। ये जो येलो वाला कार है, ये वाला कार आया है कार एटेंशन में, तो इसको हम खरीद लेंगे एंड सेल कर देंगे। देखेंगे यार सेल करेंगे क्या रखेंगे, वो बात का बात है, बट अभी के लिए हम उस कार को खरीद लेते हैं। अपना जो प्लान था वो तो हुआ नहीं यार कम्प्लीट, मैंने सोचा था कोई रियर कार खरीदेंगे, रियर कार हमें मिला भी था बट खरीद नहीं पाया, पैसा कम पड़ गया यार, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाना होगा हमें। इस बार मेरे पास
40 लाख है, इतना पैसे में तो मैं उस कार को खरीद लूँगा, उस कार का ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, तो उस कार को मैंने कितने में खरीदा था। और वो जो कार है ये है, मैंने खरीदा था 4 लाख में, 4,88,000 में। तो कोई नहीं, आज देखते हैं, यहाँ पे कार रिबिल होना स्टार्ट भी हो चुके हैं एंड हम टिकट भी बाय कर लेते हैं। और ये है पहला कार जो है ड्रॉकचार, क्या कुछ नाम है इसका, हाँ ड्रॉकचार। तो इस कार को पहले सेल हो जाने देते हैं, इस कार को लेकर कोई फ़ायदा नहीं। और मेरे पास ऑलरेडी एक कार यहाँ पे है पड़ा, वो रहा यार, मैंने एक गलती से बाइक कह लिया, तो इसको सेल करके कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको यहाँ पे ही रहने दो, इसे पड़े हुए, बाद में अगर पैसा का जरूरत पड़े तो हम उसको सेल कर देंगे। और सेल करके कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा ना, अगर मिलता तो हम सेल कर देते, बट ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा इसलिए हमने उसको सेल नहीं किया। तो वो कार कब आएगा यार, एक कार कोई ले ही नहीं रहा ना, 22,000 का एक कार का लग चुके हैं और अभी भी बेट लाग रहा है, पता नहीं यार कौन लेगा इस कार को। बट यार इस पहला कार को सेल होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो पता नहीं यार सेकेंड कार एंड थर्ड कार फोर्थ कार मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगाएगा। एक घंटा हो चुके हैं, अभी भी ये जो कार है सेल नहीं हुआ है, अभी भी बेट लग रहा है यार, कौन भाई कौन हो तुम लोग यार। चलो अभी सेकंड कार आ चुके हैं और सेकंड कार में देखते यार, ये भी सेम मॉडल एंड सेम कार, तो इसको भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा यार सेल होने में। एंड हम एक काम करते हैं ना, इस कार को प्राइस बढ़ा देते हैं पहले से, तो ज़्यादा जल्दी सेल हो जाएगा। एंड यार मुझे मत मिलना, हाँ ए यार चलो आप और नहीं बढ़ाएंगे, वरना यार कार मुझे मिल जाएगा। तो अभी ये जो बंदर लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के मतलब ले लेगा इस कार को। एंड ये जो फास्ट वाला कार है 25,000 में गया था, एंड ये जो सेकंड वाला कार है वो भी 25,000 का 24,000 में सेल हो जाएगा। अभी तो 21,000 हुआ है, और ये जो बंदे लोग यार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे, मतलब 300 करके बढ़ा रहे, ज़्यादा भी नहीं यार। ओके फाइनली हमारा जो कार है वो आ चुके हैं, चलो इस कार को कहते हैं वाई। एंड इस कार का आप नेम भी देख सकते हो, नेक्स्टा कुछ नाम है इस कार का। एंड चलो यार इस कार को लेते हैं, 4 लाख का तो मुझे पता है 4 लाख में हमें मिल जाएगा। एंड चलो यार 5 लाख हो जाएगा क्या इस कार को लेने में। फाइनली हमें एक कार, अरे नहीं मिला यार, मुझे लगा मिल गया भाई, लगता है यार 5 लाख हो जाएगा। हाँ यार चलो यार 28,000 कह दे, देखता हूँ इस बार कौन बढ़ाता यार। हाँ फाइनली हमें ये वाला कार मिल चुके हैं। एंड लास्ट कार जो है उतना अच्छा कार नहीं है, बट कोई नहीं, अपना जो ये कार है ये हमें मिल चुके हैं, तो दिखने भी बहुत ही मस्त है। और पहले से मेरे पास एक कार है ऑलरेडी, तो दोनों कार के रखेंगे, सोचेंगे यार बाद में। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नीचे को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे भी इस वीडियो देखने के लिए। तो आज लोग इतना ही, मिलते हैं, तब तक गाइस बाय बाय।